तो आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडी इन हिंदी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अधिकतर, और ऐसा नहीं है जो रेलवे की पूछे परीक्षा में ही पूछे जाते हो, अदर एग्जामों में भी पूछे जाते हैं वो। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक, काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है, ये पूछना है। जैसे कि भारत में जो रेलवे होती हैं, उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, इसमें सबसे ज़्यादा लंबाई या सबसे ज़्यादा एरिया में कौन सा जोन फैला हुआ है, तो उसके भी वही पूछा है कि सबसे ज़्यादा लंबाई किस जोन की है। तो आपको बताएं इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तर रेलवे की। सबसे अधिक लंबाई किसकी है, उत्तर रेलवे की। इस पर बाकी साहब की लंबाई जो है इससे कम है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर दो, जो कि ये है, मैं पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई या शुरू हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कहाँ हुई थी, कोलकाता में। कोलकाता एक ऐसा शहर है जहाँ पर पहली में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन चली थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थ्री, जो कि ये क्वेश्चन नंबर थ्री है, भारतीय रेल व्हील प्लांट एंड कहाँ है। सॉरी, इस प्रिंट क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जो एंड जो प्लांट से पहला था, क्वेश्चन ये होता भारतीय रेल का व्हील एंड प्लांट कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि कहाँ है, बेंगलोर में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर फोर, जो कि यह भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष में हुआ था। भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष में हुआ था, यानी भारत में रेल कब से चलना शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव है, भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है। जो भारत के दक्षिण में सबसे लास्ट में कौन सा रेलवे स्टेशन है, कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कन्याकुमारी जो है सबसे लास्ट स्टेशन है दक्षिणी में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, भारत में भारत का रेल राष्ट्रीयकरण कब हुआ था या किस वर्ष में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। यदि क्वेश्चन का आंसर पता है तो उसके आप टिक कर लें, और नहीं पता है तो उसका भी टिक कर लें। आपको तभी लास्ट में मैच करें कितने आपने सही करे कितने गलत है। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हेल्प होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो हमें कमेंट करें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विवेक एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस, जो कि सबसे लंबी दूरी तय करती है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भारत का पहला रेलवे स्टेशन है, और जो कि मुंबई में स्थित है, जो कि मुंबई में पड़ता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नाइन है, क्वेश्चन नंबर नौ है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी। आपको ये वर्ष दिए हुए हैं, इसमें पूछ रहा है रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1905 में हुई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने पेश किया था। भारत का जो रेल बजट था वो सबसे पहले किसने पेश किया था। ऑप्शन नंबर ए है मथाई ने, जॉन बी है जॉन मथाई ने, सी है पीयूष गोयल ने, डी है जॉन मथाई शर्मा ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन मथाई ने पेश किया था पहला रेल बजट। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अलेवन है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। ये तो ज़्यादातर सभी को पता होगा किस राज्य में नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा है कि मेघालय में नहीं है, तो मेघालय में क्यों नहीं है रेलवे लाइन। मेघालय में इसलिए नहीं है क्योंकि वह एक पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ पहाड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ रेलवे लाइन नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, क्वेश्चन नंबर बारह है, भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ है। ये तो सभी को पता होगा कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी,
गोरखपुर जो रेलवे में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेक्कन क्यून। इसके साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में प्रथम रेल द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 34 किलोमीटर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, भारत और बंगाल के बीच चलने वाली कौन सी ट्रेन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैत्री एक्सप्रेस है, जो कि भारत और बंगाल के बीच चलती है। सॉरी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।